नमस्ते एवरीवन, मेरे पास एक छोटी सी भगवद गीता है। मैं जब भी कुछ पढ़ती हूँ तो उसमें मुझे जो भी रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट लगता है मैं उसे हमेशा हाईलाइट करती हूँ। आज गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं इसमें जो भी मैंने अंडरलाइन किया है मैं उसे पढ़ने जा रही हूँ। पढ़ने के पूर्व मैं प्रभु का नाम लूंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, क्योंकि हे पुरुषेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। उनमें से सांख योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अथवा साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाले सिद्ध शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें इच्छा का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें उनसे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, इसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है, ना सुख ही है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषवादी द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके
आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाभाहो, इसे इससे दूसरी को जिसे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वह मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मे मरने वाला समझता है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परंतु मुझको तू इत अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह सामर्थ्य नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी इष्ट योग शक्ति को देख। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सबका नाश हो जाएगा। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तो हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध की सहन करने योग्य हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देख हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप मुझे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरा प्राण, मेरा भक्त, आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान के नाम गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन और श्वास के द्वारा जप, भगवती प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवती प्राप्ति के लिए बारम्बार करने का नाम अभ्यास है। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। जीवात्मा भी मुझे ही ज्ञान और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकास प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। दृश्य मात संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंदन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण माया पदार्थों के संघ का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं
प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीन गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला अविकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अथवा सुख ज्ञान और वैराग्य यदि निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। बुद्ध, अहंकार और मन और पांच जननेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, पांच भूत, पांच इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूपी यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है, इसलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा है। अंतःकरण और इंद्रियों आदि के आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है, उसका नाम प्रकाश है। निंद्रा और आलस आदि की बहुलता के अंतःकरण इंद्रियों में चेतना शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। जो पुरुष एक सच्चिदानंदन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार में सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने और ना होने पर किसी काल में भी इच्छा, देश आदि विकार नहीं होते, यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। जो पुरुष एक सच्चिदानंदन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने और ना होने किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं, यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न वे अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने आप विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को सर्व समझ कर पति का चिंतन करती हुई पति की आज्ञा अनुसार पति के लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्व समझ कर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदल कर या एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु को मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा आढ़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्व्यवहार है। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चों को स्कूली ज्ञान के अलावा अन्य बातों का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। कर्मा के बारे में हमें पता होने से हम अपने थॉट लेवल पे भी कर्मा को सुधार सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। धन्यवाद कहने से पहले एक बार फिर से मैं प्रभु का नाम लूंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।